नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आइस में। आज हम देखेंगे जियोग्राफी में एक नया चैप्टर और नया कंसेप्ट, उसका नाम है जियो सिंक्लाइन भू अभिनति। देखिए क्या बोलेंगे, भू अभिनति एक कंसेप्ट है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जियो लाइन। तो भू अभिनति होता क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। भू प्लस अभिनति अर्थात गड्ढा एक कहीं ना कहीं गर्त है, और गर्त में क्या क्या बन सकते हैं, इससे संबंधित है आपका जियो सिंक्लाइन। जो जियो सिंक्लाइन है ये कंसेप्ट देन है, देखिए इससे जुड़े हुए हैं। फिलहाल पढ़ना क्या, आप ये चीज देखिए, भू अभिनति का कंसेप्ट इसमें हाल व डाना होम का विचार दो, पुनः एक है आर्थर होम्स भी है, आर्थर होम्स और प्लेट टेक्टोनिक, जो प्लेट टेक्टोनिक है ये कंसेप्ट है, इन्हीं को पढ़ना है आपको डायग्राम के साथ। बोल रहा है कि पृथ्वी पे दीर्घ भूखंड होते हैं, पृथ्वी पे दीर्घ भूखंड अर्थात ठोस भूखंड, ठोस भूखंड जो दीर्घ भूखंड, ये पृथ्वी के दीर्घ भूखंड हैं जो कभी भी, बोल रहा है, जलमग्न नहीं हुए हैं। पृथ्वी के बहुत से ऐसे भूभाग हैं जो कभी भी जल में मग्न नहीं हुए हैं, इनके चारों साइड में एक गर्त है, गड्ढा है, और ये दीर्घ भूखंड थे और वो गड्ढा है अभिनति है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए कि कनाडा है, ये अमेरिका, तो कनाडा अमेरिका के बीच में ऐसे कुछ, तो दीर्घ भूखंड जैसे अमेरिका का लेंगे ये वाला इलाका पूरा, ये है लॉरेशिया। भारत का गोंडवाना लैंड, जैसे भारत है इंडिया, तो ये है आपका भारत जो है, यहाँ पे कर लेंगे विंध्याचल श्रेणी, इसके बाद ये पूरा प्रायद्वीप भारत है, गुड़वाना लैंड का हिस्सा था प्रायद्वीप भारत। तो ये दीर्घ भूखंड है जो कभी भी जलमग्न नहीं हुए, तो बोल रहा है जो दीर्घ भूखंड है, भारत कनाडा का ब्राजीलियन दिखा रहा है ऐसे करके, अफ्रीका है, पूरा अफ्रीका कंटिनेंट है, वो दीर्घ भूखंड है जो कभी भी जल में मग्न नहीं हुए, यथास्थिति में है, इनके चारों साइड एक गर्त है, गड्ढा, ये गड्ढा चारों साइड गर्त, तो ये जो चारों साइड गर्त है इसे ही अभिनति बोल रहे हैं, और इसके आगे शब्द जोड़ दिए हैं भू अभिनति, भू में गर्त गड्ढा। अब है ये जो गर्त है, इस गर्त में धीरे धीरे क्या होते हैं, आपके जो स्थल खंड है इससे कटाव होता है नदियां वायु के द्वारा, और इस गर्त में अवसाद इकट्ठे होते हैं, सेडिमेंट इकट्ठे होते हैं। सेडिमेंट इकट्ठे होने से क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है जब कंप्रेशन पड़ता है। एक कंसेप्ट देखिए फिर से डायग्राम के साथ। तो फिलहाल तो आपको बोलना है कि भू अभिनति एक गर्त है दीर्घ भूखंड के चारों साइड में, जो दीर्घ भूखंड है उसके कुछ एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताऊंगा, दीर्घ भूखंड का भी साथ साथ में भू अभिनति का भी नाम है। फिलहाल भू अभिनति बोलेंगे लंबा होता है, कम गहरे हैं, संकरे हैं। भू अभिनति में पर्वतों का निर्माण होता है, जितने भी बलित पर्वत हैं इनका निर्माण कहाँ हुआ है, बोलेंगे कि भू अभिनति में हुआ है। ये जो है भू अभिनति में परिवर्तन होते हैं, लेकिन दीर्घ भूखंड में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह यथा स्थिति में रहते हैं, जस कृत दीर्घ भूखंड, ये हमेशा कठोर है, कभी जलमग्न नहीं रहे, लेकिन जो भू अभिनति है उसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, और ये सब कंसेप्ट पढ़ना है आपको। तो दीर्घ भूखंड का पहले डायग्राम देखिए, उसके बाद विशेषता से सबसे फर्स्ट कंडीशन में,
सबसे पहले कटाव हो रहा है पृथ्वी से, जो भी स्थल खंड है उस पे कटाव होता है, अवसादों का जमा हो रहा है तटों के पास, ये अवसाद जम गए। ठीक है, फिर यहाँ कटाव हो रहा है तो ये गर्त है, गड्ढा, ये गर्त है, अभिनति है, भू अभिनति ये है, भू अभिनति बोलिए, गर्त बोलिए, तो कटाव हो रहा है, तो कटाव की मात्रा धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, जो अवसाद नीचे में बढ़ते जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज में पूरा अवसाद भर गया गड्ढे में। क्या हुआ, सबसे पहले जो स्थल खंड है, ये स्थल खंड है, स्थल खंड, इस साइड भी स्थल खंड है, ये दृढ़ स्थल खंड है, क्या बोलेंगे, ये जो पोर्शन है कठोर दृढ़ स्थल खंड है, ये भी है कठोर, ये भी, इनका लगातार क्या हो रहा है, अपवर्धन हो रहा है, अनाच्छादन की प्रक्रिया, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल समझिए कटाव हो रहा है स्थल खंड का, और गर्त में क्या है, अवसादों का इकट्ठा हो रहा है, तो पहले तट के पास इकट्ठे हुए, फिर धीरे धीरे तली में गर्त में इकट्ठे होने लगे, फिर गर्त में और इकट्ठे होते, कंप्रेस होते गए, तो क्या हुआ, ये जो अभिनति है, भू अभिनति है गर्त में, ठीक है, सारे गर्त जो है आपके बोलेंगे भू अभिनति, अर्थात गर्थ ही भू अभिनति, तो फर्स्ट स्टेज, दूसरा चरण और तीसरा चरण में कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम दिखाना होगा कि कटाव। तो ये भू अभिनति है, इसकी एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और गहराई भी है। अब सवाल है, इसकी तली जो है धंसती नहीं है, भू अभिनति में याद रखेंगे कि आप तली नहीं धंसती, बल्कि तली पे जो अवसाद है उसकी मोटी परत जमती रहती है, लगातार कटाव होते रहते हैं, जो अवसाद है उसकी परत पे परत, ये परत है, फिर से एक और परत चढ़ गई, फिर और परत चढ़ गई, तो जो अवसाद रहते हैं उसकी मोटी परत इकट्ठी होती है, गहराई नहीं बढ़ रही है, क्या बोलेंगे, गहराई भू अभिनति की नहीं बढ़ती है, बल्कि अवसादों की मोटाई बढ़ती है, जो अवसाद स्थल खंड से कटाव हो रहे हैं उसे अवसाद होते हैं, अवसाद की गहराई लगातार बढ़ती है, इस तरीके से अवसाद जमा होते जा रहे हैं। अब देखिए दृढ़ भूखंड है, ये दोनों दृढ़ भूखंड यही है जो भी आपको बता रहा था, ये कभी जलमग्न नहीं होते हैं, तो कठोर भूखंड, इसे बोलिए कठोर, ठोस है ये, ठोस, अगर कंप्रेशन एक दबाव लग जाए इस पे, ये जो अवसाद है बालू के कारण महीन कर, अगर इस पे दबाव लग जाए, कंप्रेशन लगे, तो फिर ये क्या अवसाद धीरे धीरे ऊंचा उठेंगे, कुछ ऐसे उठेंगे, ये बलित पर्वत, मैंने आपको बलन बताया था, बलन कंप्रेशन, तो ऐसे करके अगर कंप्रेशन करे दृढ़ भूखंड, तो जो अवसाद है जो भू अभिनति में इकट्ठे हुए हैं उस पर दबाव पड़ेगा और बलित पर्वतों का निर्माण होगा। तो भू अभिनति की विशेषता पर्वतों की विशेषता पर ही आधारित है, क्या बोलेंगे, भू अभिनति की जो विशेषता है वह माउंटेन की विशेषता पर आधारित है, आप कोई माउंटेन देखिए, बलित पर्वत जैसे हिमालय, रॉकी, इसके बाद क्या देखेंगे आप, तो एंडीज माउंटेन, आल्पस माउंटेन, यूराल माउंटेन, इनकी लंबाई बहुत अधिक है, चौड़ाई कम है, 100 किलोमीटर में लगभग हिमालय समाप्त हो जाता है, और 2500 किलोमीटर का हिमालय है, तो लंबाई तो अत्यधिक है, चौड़ाई कम है और गहराई कम है, तो भू अभिनति की भी विशेषता जो पर्वतों की विशेषता होगी वही भू अभिनति की विशेषता आ रही है, कि गहराई कम है, चौड़ाई भी कम है, चौड़ाई कम होती है भू अभिनति की, गहराई कम होती है, और फिर क्या बोलेंगे, लंबा बहुत अधिक होता है भू अभिनति, तो भू अभिनति ही पर्वतों का जन्म स्थल है, पर्वतों का जन्म स्थल है, तो ये इसकी विशेषता निकल रही है, जितने भी बलित पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं वो गड्ढे में, गर्त में अवसादों से बने हुए हैं, उस पे एक दबाव पड़ा है और वो दबाव से क्या है, पर्वतों का निर्माण हुआ है, तो भू अभिनति गर्त होते हैं, पर्वतों का पालन है, और ऐसे करके अंत में माउंटेन का निर्माण हुआ, तो ये तो लंबाई हो गई, ऐसे करके चौड़ाई ऐसे कर लीजिए, और का मतलब वो भू अभिनति। अब कंसेप्ट देखते हैं, हाल डाना का सिद्धांत सबसे पहले, और हाउ का, तो हाल डाना ने भू अभिनति का कंसेप्ट किसने दिया था, बोलेंगे भू अभिनति का कंसेप्ट सर्वप्रथम हाल
हाल और डाना ने दिया था, लेकिन भू अभिनति का सिद्धांत किसने दिया था? हॉन्ग ने दिया था। तो भू अभिनति ये जो कंसेप्ट है, विचार किसकी देन है? बोलेंगे जो कंसेप्ट है वो हॉल और डाना का देन है, दो जियोग्राफर। लेकिन सिद्धांत किसका देन है? भू अभिनति से संबंधित सिद्धांत वो प्रस्तुत किया था हॉन्ग ने। ठीक है, इन दोनों में अंतर है। तो हॉल डाना ने क्या किया था कि ये पर्वतों की मोटाई चेक कर रहे थे कि पर्वत इतने मतलब मोटा में कैसे हैं, कंकड़ पत्थर लंबाई पर्वतों की अधिक कैसे है। और फिर इन्होंने क्या किया, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्पस माउंटेन, हिमालय माउंटेन की तुलना की। तो सारे के तुलना करने के बाद ये निरीक्षण पे आया कि इन सब का निर्माण एक प्रक्रिया प्रोसेस से हुआ है और ये किसी गर्त से निकले हुए हैं। तो भू अभिनति उस गर्त का नाम दिए और बलित पर्वत वो पर्वत थे। तो हाल डाना ने भू अभिनति बताया, अपने प्रेक्षण के आधार पर पर्वतों का प्रेक्षण किया। तो कंसेप्ट इन्हीं की देन है, लेकिन सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया हॉन्ग ने। ये क्या बोल रहे हैं आज डाना कि दृढ़ भूखंड है, दृढ़ भूखंड, तो दृढ़ भूखंड के बीच में क्या होते हैं? भू अभिनति होते हैं। तो देखिए इनका भू अभिनति क्या क्या नाम दिए भू अभिनति को, पहले बोलिए रॉकी भू अभिनति, रॉकीज भू अभिनति, पुनः बोलेंगे यहाँ पे 35 भू अभिनति, फिर बोलिए यूराल भू अभिनति, यूराल भू अभिनति, पुनः परिपरशान भू अभिनति। तो चार भू अभिनति के बारे में बताया, परिपरशान भू अभिनति। लेकिन ये दृढ़ भूखंड के बारे में नहीं बता रहे हैं, काल और डाना जो है दृढ़ भूखंड के बारे में स्पष्ट नहीं कर रहे, लेकिन भू अभिनति के बारे में स्पष्ट कर रहे हैं कि रॉकी भू अभिनति है, 33 भू अभिनति है, यूराल है, परिपरशांत है भू अभिनति। हॉन्ग क्या है? दृढ़ भूखंड, जो ठोस भूखंड है उसके बारे में बताते हैं। तो दृढ़ भूखंड के साथ साथ में क्या है आपके, तो भू अभिनति के बारे में बताते हैं। आपके भू अभिनति चारों साइड से दृढ़ भूखंड से घिरी रहती है, या भू अभिनति के चारों साइड दृढ़ भूखंड रहते हैं, दो ही हैं, तो दृढ़ भूखंड है या तो भू अभिनति है, दो ही हो सकते हैं। तो ये दृढ़ भूखंड की बात कर रहे हैं, भू अभिनति में सेम लिख देंगे इसका कि रॉकीज हैं, 33 है, यूराल है, परिप्रशांत है। लेकिन दृढ़ भूखंड में क्या बोल रहे हैं? उत्तरी अटलांटिक दृढ़ भूखंड, ये लिख दीजिए कि उत्तरी अटलांटिक ठोस भूखंड है या दृढ़ भूखंड है। सेकेंड नंबर पे बोल रहे हैं ब्राजील, अफ्रीका दृढ़ भूखंड है, ब्राजील अफ्रीका दृढ़ भूखंड। पुनः बोल रहे हैं ये कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर दृढ़ भूखंड है। फिर बात कर रहे हैं सिनो साइबेरियन दृढ़ भूखंड, सिनो साइबेरियन दृढ़ भूखंड। फिर बोल रहे हैं कि प्रशांत भूखंड भी है दृढ़ भूखंड। पांच तरीके के दृढ़ भूखंड का बात किए हैं और चार तरीके का भू अभिनति का बात किए हैं। ये सब है क्या? दृढ़ भूखंड है, ये जुड़े हुए थे एक समय में, जब जो आपको महाद्वीप वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं किसी समय जुड़े हुए थे, आज अलग अलग हैं और भविष्य में ये सारे महाद्वीप और एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, देश भी अलग हो सकते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में यूरोप, कनाडा, अमेरिका ये सब जुड़े हुए थे, उत्तरी अटलांटिक दृढ़ भूखंड ठोस भूखंड था, फिर भू अभिनति इसके बीच में था। ब्राजील अफ्रीका, जो अफ्रीका कंटिनेंट है और ब्राजील ये जुड़े हुए थे, तो अब ब्राजील अफ्रीका दृढ़ भूखंड, भारत ऑस्ट्रेलिया मेडागास्कर जुड़े हुए थे, ये दृढ़ भूखंड है, सिनो साइबेरियन दृढ़ भूखंड है। ठीक है, सिनो मतलब होता है चाइना, चीन से रिलेटेड है, तो चाइना के लिए सिनो है और उसके ऊपर में क्या है, साइबेरियन एक बेल्ट है जो रूस का हिस्सा है, तो सिनो साइबेरियन दृढ़ भूखंड थे और प्रशांत दृढ़ भूखंड। तो प्रशांत क्या एक दृढ़ भूखंड भी है, साथ साथ में भू अभिनति, और भू अभिनति इसी का लिख लीजिएगा, 33 भू अभिनति, उसमें 35 भू अभिनति, उराल भू अभिनति, परिप्रशांत भू अभिनति। तो हाल और डाना हॉन्ग दोनों का स्पष्ट है। अब इसी में अंतर भी स्पष्ट कर लेते हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि भू अभिनति का निर्माण तटों के पास होता है, तो
आल्फ और डाना का कहना है अब जो भू अभिनति है वो कोष्ठ के पास ही बन जाते हैं, जो तट है। ये बोल रहे हैं जो भू अभिनति का निर्माण होता है महाद्वीप के मध्य भाग में होता है, मध्य भाग में होता है। ये क्या बोल रहे हैं, देखिए आल और डाना की भू अभिनति का निर्माण तटों के पास ही होता है, कोई महाद्वीप उसके तट के पास ही बनते हैं। पोंग का कहना है जो भू अभिनति है वो महाद्वीप के मध्य भाग में बनते हैं। इनका कहना है भू अभिनति लंबी है, संकरी होती है, लंबा सीधा लंबा, संकरा कम चौड़ा, और कम गहराई वाली होती है, गहराई भी कम होती है। लेकिन ये क्या कहे, बोल रहे हैं लंबे होते हैं भू अभिनति, ठीक बात है, दोनों का विचार मिलता है, दोनों बोल रहे हैं लंबे हैं, दोनों बोल रहे हैं संकरे हैं, चौड़ाई कम होती है, संकरे भी ठीक है, लेकिन गहराई में अंतर है। ये बोल रहे हैं गहरा अधिक होता है, गहराई क्या है अधिक है, अंतर स्पष्ट हो रहा है कि दो में कंसेप्ट मिल रहा है कि भू अभिनति को दोनों लंबे मान रहे हैं, दोनों संकरे मान रहे हैं, लेकिन गहराई एक बोरा है कम गहरा है, एक बोरा अधिक गहरा है, भू अभिनति कम गहरा होता है। हम यहीं पे क्या था अपना कंसेप्ट थोड़ा मिस्टेक कर गए, इनको भू अभिनति गहरा ना करके कम गहरा करना था, वो भू अभिनति को अधिक गहरा कर रहे हैं, और बाकी भू अभिनति तटों के पास ही बोल रहे हैं, तट के पास वो संकरे। बाकी अंतर तो स्पष्ट है कि दीर्घ भूखंड की बात कर रहे हैं कि पांच टाइप के दीर्घ भूखंड हैं और चार तरीके का भू अभिनति है, और इनका दीर्घ भूखंड वाला हिस्सा नहीं है, लेकिन इन्होंने आपका भू अभिनति के बारे में बताया। अब एक बार डायग्राम से देख लेते हैं कि भू अभिनति कौन से बेल्ट पे पड़ता है, तो वर्ल्ड मैप आपको बनाना होगा एक रफ डायग्राम। क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं आप, भू अभिनति जियो इंक्लाइन, जियोग्राफी कंसेप्ट का ही है कि कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए एक रफ डायग्राम है जिसमें आपको जो भी एक रफ डायग्राम आप बनाइएगा तो इसमें हमें दिखाना है भू अभिनति और साथ साथ में दीर्घ भूखंडों को। तो देखिए एक अगर रफ डायग्राम मान लेता हूं मैं, ये है आपके सामने, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा बार बार, और नीचे में अंटार्कटिका ऐसे करके। तो दीर्घ भूखंड सबसे पहले आप भू अभिनति दीर्घ भूखंड को पहचानिए, रॉकीज का जो बात कर रहे हैं, रॉकी माउंटेन आपको पता है उत्तरी अमेरिका में है, तो ये एक भू अभिनति हो गया जो पर्वत है। यहाँ पे दो पर्वत है, रॉकीज और एंडीज, लेकिन भू अभिनति एक ही दिया गया है, आप बोलेंगे रॉकीज भू अभिनति। भू अभिनति में ही सारे बलित पर्वत का निर्माण होता है, जितने भी बलित पर्वत है याद रखेंगे आप भू अभिनति में ही बने हुए हैं। तो ये हो गया पूरा रॉक की भू अभिनति। जो दूसरा बात कर रहे हैं टैटिस भू अभिनति, वो ऐसे था ये बात, क्या बोलेंगे टैथिस भू अभिनति। तो टैथिस भू अभिनति
पुनर एक युराल, ये वाला है युराल माउंटेन है, युराल भू अभिनति, युराल भू अभिनति, और एक प्रशांत वाला जो है आपका ऐसे आएगा ये प्रशांत भू अभिनति। तो चार भू अभिनति का बात हो रहा है, हाल दाना दोनों बोल रहे हैं। अब इसको थोड़ा डायग्राम के साथ रंग देंगे तो आप और अच्छा दिखेगा कि कौन कौन से हैं। तो ये देखिए भू अभिनति है, जो पर्वत है आपके, एक भू अभिनति, दूसरा ये युराल भू अभिनति, ये आपका जो है 33 सागर था कभी, तो 33 सागर भू अभिनति, एक ये भू अभिनति है, परी प्रशांत है चारों साइड से ऐसे ले चलिए, यहाँ तक मिल जाएगा परी प्रशांत भू अभिनति, एक गोला कर दीजिए। तो इसके बीच में क्या है, दो भू अभिनति के बीच में डेढ़ भूखंड आएंगे, तो डेढ़ भूखंड देखिए क्या है, ये हो गया युराल, सॉरी रॉकेट भू अभिनति और युराल भू अभिनति, तो इन दोनों के बीच में क्या कर दीजिए, उत्तरी अटलांटिक, डेढ़ भूखंड, उत्तरी अटलांटिक, अटलांटिक महासागर जो है याद रखें, उत्तरी अटलांटिक भूखंड डेढ़ भूखंड है। तो ये हो गया आपका अमेरिका कनाडा, ये यूरोप, ये जुड़े हुए थे आपस में, एक डेढ़ भूखंड है पुनः, ये है साइबेरिया और चाइना, नीचे ये चीन, तो सिन्नो, चीन के लिए इस्तेमाल होता है सिन्नो शब्द, तो सिन्नो साइबेरिया डेढ़ भूखंड, तो यूराल और 33 के बीच में, और इधर अगोपरी प्रशांत के बीच में, पुनः बोलेंगे ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, डेढ़ भूखंड, ये हो गया। पुनः बोलेंगे ब्राजील और अफ्रीका, ब्राजील, अफ्रीका, डेढ़ भूखंड, ये दोनों डेढ़ भूखंड हो गए। तो इस तरीके से एक डेढ़ भूखंड ये, दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जो परी प्रशांत महासागर इसके बीच में कर दीजिए, प्रशांत, परी प्रशांत डेढ़ भूखंड, परी प्रशांत भूखंड, तो पांच डेढ़ भूखंड, इनके बीच में 33 सागर, सॉरी क्या भू अभिनति, जैसे 33 सागर ये हो गया, 28 हो गए, और ये प्रशांत सागर हो गया, युराल पर्वतीय, तो जितने भी पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी समय यहाँ पे गड्ढे गर्त थे, भू अभिनति था, और आज के डेट में पर्वत हैं, तो कंप्रेशन है, बल पड़ा है, फलस्वरूप भूखंडों का निर्माण हुआ है। तो होंग ने पूरा मैप बनाया था, जो अलग अलग जियोलॉजिकल स्केल पे भूगर्भिक जो पैमाना काल है, कि किस समय विश्व कैसा दिखाई देता था, वर्ल्ड कैसे थे, पृथ्वी कैसा था, इन्होंने पूरे एक डायग्राम के साथ प्रॉपर समझाने की कोशिश किया था। तो इन्हीं का एक डायग्राम है, ये कैसे भी गया हुआ है, ये भू अभिनति है, ग्रेट अफ्रीका रिफ्ट वैली, जो रिफ्ट वैली है वो भी एक क्या है, भू अभिनति है, क्योंकि गड्ढा है, तो रिफ्ट वैली ग्रेट अफ्रीका का करिएगा, ग्रेट अफ्रीका का, तो ग्रेट अफ्रीका रिफ्ट वैली ये है, किसी में जाके मिल जाता है, किसी में जाता है आपका, तो 33 सागर में, अर्थात जो 33 भू अभिनति उसमें मिल जा रहा है। तो ये हो गया आपका भू अभिनति, दृढ़ भूखंड। अब यहाँ पे आर्थर होम्स का देख लेते हैं, आर्थर होम्स फेमस क्यों हैं, आर्थर होम अपने संवहन सिद्धांत के लिए फेमस हैं, जहाँ भी संवहन धारा, संवहन देखेंगे शब्द कन्वेंशन, वो आर्थर होम्स उसके लिए प्रसिद्ध हैं, वो हर चीज को अपने संवहन के साथ जोड़ते हैं, पर्वत का निर्माण हो, ज्वालामुखी का उद्गार हो, फिर है आपका भू अभिनति का निर्माण हो, वो सब अपने कंसेप्ट को संवहन धारा के साथ जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आर्थर होम्स का, आर्थर होम्स जो कंसेप्ट में पढ़ रहे थे आप, ये अपने संवहन सिद्धांत, कन्वेक्शन, संवहन थियोरी सिद्धांत के लिए फेमस है, ये हर चीज को किससे जोड़ते हैं, संवहन से। संवहन क्या होता है, कोई बोल रहे हैं गर्म चीज ऊपर उठती है, ऐसे उठ रही है, मान लेता हूँ ये गर्म चीज है कोई, ये ऊपर उठ रही है, और ठंडी चीज क्या है, नीचे आती है, इससे एक धारा बन जाती है,
जैसे आप पानी को बाल्टी में आप गर्म करते हैं, तो जो गर्म रहता है सबसे पहले तो नीचे तली में गर्म होता है, गर्म उठ के ऊपर आता है गर्म चीज, और हल्की जो रहती है ठंडी होती है, भारी हो जाती है नीचे आती है, तो इससे क्या है धारा उत्पन्न हो जाता है। यही संबंध धारा का कंसेप्ट है इनका। तो इनका कहना है कि दो धारा, आर्थर होम्स का कहना भू अभिनति का निर्माण कैसे हुआ, तो दोनों साइड से हो सकता है। अगर दो धारा जैसे ये जा रही है तो पृथ्वी को ऐसे उठा रही है, तो ऐसे उठेगा दो धारा जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न हो रही है उसमें गर्मी के कारण ये धरातल को ऊंचा उठाती है, तो एक भाग ऊंचा उठ जाएगा तो माउंटेन का निर्माण होगा, जो नीचे धंसेगा ये भू अभिनति बनेगा। ठीक है, तो एक भाग ऐसे उठा दे रहे हैं, दूसरा भाग नीचे ढुका रहे हैं, ये कैसे? तो संवहन के कारण पृथ्वी के अंदर गर्मी उसमें पैदा होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे रेडियो एक्टिविटी, फिर है या बोलेंगे कार्बनिक पदार्थ या रासायनिक पदार्थ हैं। रासायनिक पदार्थ विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, रासायनिक तत्व हैं। रेडियो एक्टिविटी जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम, इनका विघटन होते रहता है, बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है पृथ्वी में अंदर की ओर। रासायनिक तत्व हैं सोडियम पोटेशियम, आपस में क्रिया करते रहते हैं, बहुत सारे तत्व हैं, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्लस दबाव है, ऊपर का जो धरातल है ये वाला नीचे पे एक दबाव लगा रहा है, ऊपर वाला धरातल पे नीचे प्रेशर के कारण तापमान उत्पन्न होता है, अधिक गर्मी पैदा होती है। तो अलग अलग तरीके से पृथ्वी के अंदर तापमान बन रहे हैं, फलस्वरूप एक धारा उत्पन्न होती है उष्मा। ठीक है, इसके कारण से एक भूभाग ऊंचा उठ गया, दूसरा भूभाग नीचे, जो ऊंचा उठा भाग था पर्वत बन गया, जो नीचे वाला भाग था भू अभिनति बन गया। ये आर्थर होम्स का है। अगर ये दो धारा ऐसे हैं, अगर दो धारा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आए या सीधी डायरेक्शन में, ऐसे भी हो सकती है, अगर एक दूसरे की ओर जा रही है तो तनाव हो रहा है, और एक दूसरे से दूर चले जाए तो और तनाव बड़ा हो गया, ऐसे में जो गड्ढा बनेगा गर्त बनेगा, पुनः भू अभिनति का निर्माण होगा। तो दो धारा या तो इधर चले जाए या एक दूसरे के पास आए, यहाँ अगर पास आ रही है तो फिर से कंप्रेशन होगा, इस पे दबाव पड़ा चट्टान पे, तो एक बार फिर से ऊंचा उठेगा, दूसरा भाग नीचे दबेगा। थोड़ा समझिएगा कंसेप्ट क्या बोल रहे हैं, ये दबाव तनाव कुछ नहीं जोड़े हैं संबंध धारा को। ये संबंध धारा कैसे कैसे बन सकती है, या तो ऊंचा उठा दे रही है, या तो झुका रही है, या तो सो संबंध धारा किसी भूखंड पे आ रही है उस पे दबाव डाल रही है। अगर दबाव डाल रही तो यहाँ कंप्रेशन होगा, दबाव पड़ेगा, अत्यधिक दबाव, दबाव पड़ने से एक भाग ऊंचा उठेगा, ये वाला शिखर का निर्माण करेगा शिखर, दूसरा भाग नीचे दबेगा गड्ढा बनेगा, तो ये है भू अभिनति। अगर ये दोनों धारा एक दूसरे के विरोध में जा रहे हैं तो बीच में ये जो गड्ढा है तनाव आ जाएगा, इससे पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तनाव भ्रंश, सेम कंसेप्ट है। अगर और अधिक धारा फैले, मतलब दबाव और अधिक पड़ जाए तनाव वाला, तो गड्ढा और बड़ा हो जाएगा, भू अभिनति का निर्माण हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी भू अभिनति का निर्माण हो रहा है इस कंडीशन। तो पर्वत के साथ साथ भू अभिनति दोनों का कंसेप्ट आर्थर होम समझा रहे हैं संबंध धारा से, और प्लेट टेक्टोनिक से भू अभिनति का, कि जब दो प्लेटें क्या हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स अभी मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये पूरा एक कंसेप्ट ही अलग से है, प्लेट टेक्टोनिक्स और VVIP है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं वो रिटेन में, तो वो बाद में देखेंगे। भू देखिए यहाँ पे जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, प्लेट टेक्टोनिक्स एक सिद्धांत है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। इससे सिर्फ भू अभिनति नहीं, पर्वत से लेकर ज्वालामुखी और जो कंटिनेंट विस्थापन है सब होते हैं, आधा से अधिक जो जियोग्राफिकल फॉर्मेशन हो रहा है, बन रहे हैं, ये परिवर्तन हो रहा है, वो प्लेट के कारण होता है। तो इसीलिए फिलहाल आप तीन सिद्धांत याद रखिए, हाल, दाना, होंग, और इसके बाद आर्थर होम्स का सिद्धांत है।